हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मूली का पराठा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो आप लोग को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और तुरंत झटपट बन जाएगा। और सर्दियों के मौसम में मूली का पराठा सबको ही पसंद होगा। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 6 मूली है, उसको अच्छी तरह से वॉश करके छील के कद्दूकस कर लेंगे। जितना भी मूली है 5 से 6 मूली, सारा मूली को कद्दूकस करेंगे अच्छी तरीके से। और फिर जो उसमें सामान ऐड करेंगे, और यहाँ देख सकते हैं काला जीरा, अजवाइन, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता, नमक। और यहाँ पे जो कद्दूकस किए थे मूली वो यहाँ पे लिए हैं। और फिर 1 kg आटा है, आटा में जो कद्दूकस किए थे मूली को मिला देंगे। आटा अगर आपका 1 kg है तो 5 से 6 मूली उसमें जाएगा। और उसको मिलाने के बाद फिर जो उसमें डालना है काला जीरा, फिर अजवाइन ऐड करेंगे, फिर धनिया पाउडर ऐड किए, हरी मिर्च ऐड किए, अदरक ऐड किए, लहसुन ऐड किए, फिर धनिया पत्ता जो था उसको ऐड कर दिए, लाल मिर्च पाउडर ऐड किए और नमक ऐड किए। नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं आप। और फिर अच्छी तरीके से मिलाना है। पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि मूली में से खुद ही पानी निकलता है। अच्छी तरह से उसको मिलाएंगे, थोड़ा पानी देंगे और उसको अच्छी तरह से आटा को गूथ लेंगे। यहाँ पे इसको एकदम पतला नहीं करना है, ये थोड़ा हार्ड रहेगा मूली का आटा। और यहाँ पे देखिए आटा रेडी होने वाला है, देख रहे हैं कि थोड़ा टाइट होगा आटा। यहाँ पे आटा लग चुका है मूली का। और यहाँ पे लोई लेंगे और उसको अच्छे तरीके से बेलेंगे। अगर आपका चिपकता है बनाने में तो आप घी या तेल लगा सकते हैं। अच्छे से पूरा गोल बेलना है, फिर तवा में डाल देंगे उसको। आप चाहे तो रिफाइंड तेल, सरसों तेल, घी, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको खाने में अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे रिफाइंड यूज़ किया है। अच्छी तरह से उसको पलट देंगे और रिफाइंड तेल यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर उसको पलट के अच्छी तरीके से तेल लगा रहे हैं फिर से। और देख सकते हैं बहुत ही कुरकुरा होगा, दबा दबा के सेकने से पराठा कुरकुरा होता है और बहुत ही टेस्टी बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे पराठा कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी वैसे ही टेस्टी लगेगा। अच्छे से सेकना है दोनों तरफ से। और यहाँ पे देखिए पराठा रेडी हो चुका है और एकदम कुरकुरा लगेगा खाने में, बहुत ही टेस्टी। और आप बटर के साथ खा सकते हैं रख के, बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके से। आप लोग एक बार श्योर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप आलू के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।